सो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जाम डेस्क। एग्जाम डेस्क में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हमारे इस चैनल पे अपन कवर कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री अर्थात भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण चैप्टर। एक चल रहा है पैरेलल में मध्यकालीन भारत और दूसरा ही चल रहा है क्या प्राचीन भारत। तो दोनों ही दोस्तों आपको तैयारी को, आपके जो आने वाला अपकमिंग एग्ज़ाम है NTPC का, उसको ध्यान में रखते हुए अपन ने दोनों ही सब्जेक्ट अर्थात दोनों ही पोर्सन हिस्ट्री के वो साथ साथ अपन चला रहे हैं। छः सात क्लास हो चुकी है मध्यकालीन भारत की। तो आपसे अनुग्रह है कि आप उसे जाकर देखें और प्राचीन भारत के इतिहास की भी पाँच क्लासेस हो चुकी है। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था ऋग वैदिक काल के बारे में। अपन क्या पढ़ रहे थे, प्राचीन भारत के इतिहास को। और ऋग वैदिक काल में अपन ने बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया था वैदिक सभ्यता को, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। कौन कौन से थे ये, जो इनका जो टाइम पीरियड था पूरा का पूरा, वैदिक सभ्यता जो है 1500 BC से लेकर 600 BC तक का जो टाइम पीरियड है उसको ही अपन कवर करते हैं गाय में वैदिक सभ्यता में। अब साथ ही साथ दो भागों में इसे डिवाइड किया था, ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल, जिसमें ऋग वैदिक काल को अपन ने डिवाइड किया था कहाँ से कहाँ तक, तो 1500 BC से लेकर 1000 BC अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड था वो ऋग वैदिक काल में। और आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों उत्तर वैदिक काल को, और ऋग वैदिक काल की भौगोलिक व्यवस्था देखेंगे कि उनका निवास स्थान कहाँ पर हुआ करता था, किस जगह रहते थे आर्य लोग। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो वैदिक सभ्यता की स्टार्टिंग किसने की थी, आर्यों ने करी थी। ठीक है, और इनकी सबसे जो प्रमुख नदी और पवित्र नदी की बात करें तो वो सरस्वती नदी है, और जो प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आपसे पूछता हूँ, आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जैसा कि पहला क्वेश्चन, ऋग वैदिक काल के पाठनकर्ता को क्या बोलते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखो थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप मुझे बताइए, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता या पाठनकर्ता इसको क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू है, उसी प्रकार से आपको बताना है क्या सामवेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं, उसी प्रकार से आपको बताना है अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं। देखिए, यहां से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे। तो क्या क्या है आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए एक बार। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ऋग्वेद के, चलो मैं ही बता देता हूं, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को होत्रा बोलते हैं, सामवेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं, और यजुर्वेद के उच्चारणकर्ता को अर्धयु बोलते हैं। ठीक है, और अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता को ब्रह्मा बोलते हैं। तो यहां से क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो आपके चार क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए। तो देखिए, हमारा जो लेक्चर का पैटर्न रहेगा, पैटर्न बोलना चाहिए या आप कुछ भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अपन डेली के डेली आपको 10 क्वेश्चन जो है मैं कवर करवाऊंगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको इसके बाहर जो क्वेश्चन है आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लीजिए कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है, इसकी रचना ऋग्वेद के कौन से मंडल में की गई थी। तो यहाँ से अक्सर पूछता है क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे गायत्री मंत्र और इसकी रचना किसने की थी, मंत्र की रचना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इसका रखेंगे 10वें मंडल में, इसका उल्लेख मिलता है 10वें मंडल में ऋग्वेद के। ठीक है, और ऋषि विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ पढ़ा था अपन ने, आज अपन केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। और क्या है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या है गायत्री मंत्र का, और किस एंगल से आप याद रखेंगे गायत्री मंत्र को, और इस एंगल से याद रख सकते हैं कि इससे हमें सूर्य उपासना की
लिए जो इसका उच्चारण किया जाता है सूर्य उपासना के लिए। और दूसरा जो फैक्ट आप इसे याद रखेंगे गायत्री मंत्र से कि क्या किसको समर्पित है गायत्री मंत्र, तो सावित्री को समर्पित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको मैंने बताया। और एक चीज आप बता सकते हैं, जो ऋग्वेद के जो नवीनतम मंडल है वो कौन कौन से है, तो फर्स्ट और टेंथ को नवीनतम मंडल बोला जाता है, और दूसरे से लेकर नवे तक के जितने भी मंडल आते हैं, जैसा कि आपको पता है जो ऋग्वेद है 10 मंडलों में पूरा का पूरा बटा हुआ है, तो नवे से लेकर जो टेंथ तक के मंडल है उसको अपन सबसे ओल्डेस्ट मंडल में कवर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने आपको बताया। अब आज आप हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक विशेषताएं। आप हेडिंग डालिए अपनी नोटबुक में कि ऋग्वैदिक काल की भौगोलिक विशेषताएं। अब भौगोलिक विशेषता से मतलब क्या है? भौगोलिक का मतलब होता है दोस्तों जियोग्राफिकल कंडीशन, अर्थात कि आर्य लोग कहाँ रहते थे, किस एरिया में रहते थे, उन सभी को अपन कवर करते काय में, भौगोलिक विशेषता में। जैसे कि आपको पता है आर्यों का मूल निवास क्या है, मध्य एशिया अर्थात माइनर एशिया है, जिसका किसके अकॉर्डिंग, मैक्स मूलर के मत के अकॉर्डिंग। तो उसी के मत के अनुसार जब आर्य भारत में पहुँचते हैं, एंटर करते हैं, तो भारत में एक स्थान पड़ता है जिसे सप्त सैंदव पड़ते हैं। सप्त सैंदव का मतलब क्या होता है, सात नदियों का वो प्रदेश जिसे क्या बोलते हैं, सप्त सैंदव प्रदेश बोलते हैं। जिसमें से दोस्तों दो नदी जो है, एक नदी तो अभी वर्तमान में विलुप्त हो गई है, वो कौन सी, सरस्वती नदी है, और एक नदी जो है सिंधु नदी जो पाकिस्तान में चले गई है। तो अभी टोटल इसको 5 नदियों का क्या बोलते हैं, प्रदेश बोलते हैं, वो कौन सा है, पंजाब है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो मैं बता रहा था इनका जो है ऋग वैदिक काल में जो आर्यों का निवास स्थान था, तो आप हेडिंग डालिए मतलब एक पॉइंट लिखिए आर्यों का निवास। प्रारंभिक तौर पर जो आर्य थे उनका जो निवास स्थान था सप्त सैंदव प्रदेश था, अर्थात सात नदियां जहां से प्रवाहित होती है, बहती है, उसी को बोलते हैं अपन सप्त सैंदव। वो कौन कौन सी नदी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी, अगर बाद में दोस्तों इसके उपरांत प्रारंभिक इसके बाद पूरे के पूरे भारत में ये प्रसारित हो जाते हैं, विस्तारित हो जाते हैं। तो वो कौन कौन सी नदी है मैं आपको बता देता हूँ, सप्त ये इनका निवास स्थान क्या था, तो आप यहाँ लिखेंगे सप्त सैंदव प्रदेश। कौन कौन सी नदी है भाई, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो आप लिखेंगे ये 7 नदियों के बारे में। पहली है सिंधु, जिसका आधुनिक नाम क्या दिखे, यहाँ से नदियों के जो आधुनिक नाम है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको इन नदियों के अभी वर्तमान में क्या इन्हें संबोधित करके पुकारते हैं उसको भी आपको याद रखना है। तो सिंधु नदी को तो आपको सभी जानते हो कि सिंधु ही पुकारते हैं। दूसरी नदी है वितस्ता, वितस्ता को क्या नाम से पुकारते हैं आपको पता होगा, महान, सिकंदर महान। ठीक है, जब भारत में आएगा तो इसी नदी के किनारे क्या लड़ेगा, एक युद्ध लड़ेगा, तो इसे वितस्ता का युद्ध, हाइड स्पीच का युद्ध, या झेलम के किनारे होता है, तो इसका वर्तमान नाम क्या है, झेलम है। ये ऋग्वैदिक काल की सारी नदियां बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा है परुषणी, परुषणी नदी का वर्तमान नाम क्या है, रावी। ठीक, सॉरी तीसरी नदी है ये। चौथी नदी है अस्कनी, ठीक। पांचवी नदी है बिपाशा बाशु, उसी के नाम पे रख लीजिए। छठी नदी है सरस्वती, ठीक है। और सातवीं नदी है दोस्तों सतुद्री। ये सातों के सातों जो नदियों का जो क्षेत्र था उसी को बोलते हैं क्या, सप्त सैंदव प्रदेश। अब इनके जो आधुनिक नाम है आप ये भी लिख लीजिए, तो ये इसका जो आधुनिक नाम है सिंधु का, तो वो तो सिंधु ही है, इसे अभी वर्तमान में भी क्या बोलते हैं, सिंधु ही बोलते हैं। ठीक है, अस्कनी का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है चिनाब। अस्कनी का क्या नाम है, आधुनिक नाम चिनाब। बिपाशा का है आधुनिक नाम व्यास।
सरस्वती किस नाम से जानी जाती है? अभी घग्गर के नाम से जानी जाती है, घग्गर के नाम से जानी जाती है। और सतुद्री सतलज, सतलज। अभी वर्तमान में इन सातों नदियों में से दोस्तों एक नदी है सरस्वती, जिसका अभी वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। हिंदू मान्यता के अनुसार अगर अपन बात करें तो हिंदू मान्यता सरस्वती नदी को अभी भी पृथ्वी पर उपस्थित है ऐसा मानते हैं, लेकिन इसका जो फ्लो है, इसका जो प्रभावित है, और ये कहाँ से बहती है, तो ये पृथ्वी के अंदर से बहती है। आपने सुना होगा यूपी के नज़दीक इलाहाबाद में तीन नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और एक सरस्वती। तो वही सरस्वती है जो क्या पृथ्वी के अंदर अंदर बहती है। और ऐसा भी माना जाता है दोस्तों सरस्वती जैसे ही कलयुग का पृथ्वी पर प्रवेश होता है, ठीक है, तो उसके साथ ही सरस्वती नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। क्योंकि सरस्वती नदी इतनी पवित्र नदी माने जाते हैं इसको, इतनी शुद्ध नदी मानी जाती है इसको, कि ये पाप को नहीं झेल सकी, ठीक है। और कुछ नदी आप देख लीजिए। अगला बात करते दोस्तों गंगा की। गंगा का क्या प्रभुत्व था ऋग वैदिक काल में? तो दोस्तों आपको याद रखना है गंगा नदी का सिर्फ केवल और केवल एक बार इसका उच्चारण मिलता है गंगा शब्द का, और यमुना नदी का जो वर्तमान में काफ़ी फेमस है, ठीक है, इसका उच्चारण तीन बार मिलता है, ठीक है। तो ये अपन ने देखा, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों आर्यों का जो निवास था वो सप्त सेंधों में रहते थे। ये कौन कौन सी नदी थी मैंने आपको बता दिया। आर्यों की अगले पॉइंट में लिखेंगे, आर्यों जो है कबीलों में निवास करते थे, मतलब कि कोई भी सभ्यता नहीं थी वैदिक काल में। सभ्यता तो बेसिकली नहीं हुआ करती थी इनिशियली रूप में, लेकिन आप अगर बाद में देखते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में सभ्यता धीरे धीरे प्रारंभ हो जाती है, ठीक है। तो आर्य कहाँ पे निवास करते थे? कबीलों में निवास करते थे। तो दूसरा पॉइंट है आपका, आर्य कबीलों में निवास करते थे, ठीक। और ये टोटल कबीलों की संख्या, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, वंश भी बोल सकते हैं, इन कबीलों की संख्या टोटल कितनी थी? पाँच थी। इन्हीं पांच कबीलों में से दोस्तों दो एक इम्पॉर्टेंट कबीले उभर के आएंगे, एक या दो इम्पॉर्टेंट वंश उभर के आएंगे। वो कौन कौन से हैं तो आपको याद रखना है, एक है भरत वंश, एक है भरत कबीला या भरत वंश, जिसके ही नाम पर अभी वर्तमान में अपने देश का नाम क्या है, भारत है, ठीक है। दुष्यंत का पुत्र था ये। दूसरा है त्रित्सु वंश। दो इम्पॉर्टेंट वंश आए, ठीक है, कभी मतलब आर्यों के टाइम। तो ये जो पांच वंश थे इसी को क्या बोलते थे, पंचवीज बोलते थे। इसको क्या बोलते थे? पंचवीज बोलते थे, ठीक है। मतलब पांच राज्य आप ऐसे मान सकते हैं जो कि पांच राज्य में शासन करते थे ये, ठीक है। अगली बात करते हैं दोस्तों इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इनकी जानकारी सारी की सारी अपन क्या पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल। और ऋग्वैदिक काल में ही एक वेद की रचना होती है, वो कौन सा है? ऋग्वेद है। तो इनकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में एक भयानक युद्ध बोलना चाहिए। भयानक मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप जब इस युद्ध के बारे में अभी मेरे से सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि वाकई में भयानक था। इसमें सबके सब जो 10 राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, कितने राजाओं ने? 10। 10 वर्सेस 1, आप पबजी खेलते होगे अभी, 4 वर्सेस 1 का, ठीक है। लेकिन ये जो युद्ध हुआ करता था वो 10 वर्सेस 1 था। तो ये इसका नाम था 10 राज्ञ युद्ध। कौन सा था? 10 राज्ञ युद्ध। किस नदी के किनारे लड़ा गया था ये? तो अभी मैंने आपको बताया कौन के किनारे लड़ा गया था, परुष्णी नदी के किनारे। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? रावी है, ठीक है। ये एक वंश चलता है, कौन सा? भरत वंश। उसी के राजा सुदास, भरत वंश का जो राजा था कौन था? सुदास। 10 सुदास था, और जो अन्य जो थे 10 राजाओं थे। 10 राजाओं के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, भरत की। अब आप सोच सकते हैं कितना बलशाली शासक रहा होगा भरत, 10 को पराजित कर दिया उसने भाई। और तो ये क्या हुआ था? विजय हुआ था, और इसकी क्या हुई थी? पराजय हुई थी, ठीक है। अब इन्हीं ये पराजय जो राजा थे ना, इन्हीं जो राजाओं में से, पराजय राजाओं में से एक वंश निकल के आता है, ठीक है। इन्हीं 10 राजाओं में से एक जो कबीला निकल के आता है, कुरु और भरत वंश
मिलकर ही जो बाद में आपस में मिल जाते हैं, इनके बीच में क्या हो जाती है, मित्रता हो जाती है। सॉरी, ये पुरुजन है, कुरु नहीं है, क्या है, पुरुजन है। नाम भी इतने सिमिलर है यार, ये क्या बक रहे हैं। ठीक है, तो पुरुजन और भरत वंश अर्थात भरत जन दोनों मिलकर एक वंश का निर्माण करते हैं, कुरु वंश। और इसी कुरु वंश के बारे में आप अभी महाभारत जो कोरोना काल में काफ़ी हर किसी ने देखी होगी, ठीक है, हमारे घर भी देखी जाती थी महाभारत, काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरियल है महाभारत और आपको भी देखनी चाहिए। और ख़ासकर मैं बात करूँ उसमें जो गीता वाला जो चैप्टर है वो तो हर स्टूडेंट को देखनी चाहिए, काफ़ी इतनी ज़्यादा मोटिवेशन है, वो सबसे ज़्यादा मोटिवेशन बुक पृथ्वी पर आज जो उपलब्ध है तो वो ही कौन सी है, महाभारत और उसमें गीता वाला चैप्टर, ठीक है। तो कुरु वंश का आप याद रखेंगे, और इनकी जो कैपिटल हुआ करती थी, कुरु की क्या राजधानी क्या थी प्रारंभिक तौर पे, ये तो पता ही होगी यार, सॉरी राजधानी मैं कैसा लिख रहा हूँ, तो कुरु की राजधानी थी हस्तिनापुर। इनकी राजधानी थी क्या, हस्तिनापुर। और बाद में उत्तर वैदिक काल में इनकी राजधानी क्या हो जाती है, इंद्रप्रस्थ हो जाती है, जो वर्तमान में अभी दिल्ली है, दिल्ली है, उसी जगह इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं पांडव। आपने देखा होगा, आपने कहानी जानते हैं इनकी पांडवों की। और एक इनके साथ दोस्तों कुरु वंश के साथ एक पांचाल वंश है, उन्होंने मिलकर शासन किया उत्तर वैदिक काल में, कहाँ पर, इंद्रप्रस्थ में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखेंगे, हमारे जो दो महाकाव्य है, ठीक है, वो कौन से, एक तो रामायण और एक महाभारत। महाभारत से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि इसका जो ऋग्वैदिक काल में या इसका जो पुराना नाम है या इसका और एक नाम है वो कौन है, तो जय संहिता है। तो आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके इसको मार्क करेंगे महाभारत को, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है अक्सर पूछता है महाभारत, ठीक, इसका नाम क्या था, जय संहिता। टोटल 18 अध्यायों में बटा हुआ है महाभारत, ठीक है। जैसे कि दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट आपको कुछ टर्मिनोलॉजी या कुछ शब्दावली है ऋग्वैदिक काल की, जहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। और हर एग्ज़ाम में मैं बोलूँ कि अगर कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही वाला है, क्योंकि हर किसी को यार ये नॉर्मल चीज़ें तो हर किसी को पता होती है, ऋग्वेद के उच्चारणकर्ता को क्या बोलते हैं ये सारी चीज़ पता होती है, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूँ ये काफ़ी कम लोगों को पता होती है। तो आप लिखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट शब्दावली, यहाँ पे हेडिंग डालिए इम्पोर्टेंट शब्दावली, ठीक है। जैसे कि पूरे के पूरे ऋग्वैदिक काल में जो ऋग्वेद का जो समाज था, ठीक है, वो पांच भागों में विभाजित था, और जो सबसे इसकी छोटी इकाई बोलना चाहिए वो कुल हुआ करती थी, ठीक है। कुल के बाद ग्राम होते थे, ग्राम के बाद विश, विश के बाद जन, और जन के बाद एक राष्ट्र हुआ करता था, ठीक है। उसी प्रकार से जो ग्राम का जो मुखिया होता था उसे ग्रामीण ही बोला जाता था, और विश का प्रधान उसे क्या बोलते थे, विश्वप्रति बोलते थे, और जो जन का जो प्रधान होते थे उसे क्या बोलते थे, अपन राजन बोलते थे। तो आप लिखेंगे यहां पर समाज पांच भागों में डिवाइड था, भागों में विभाजित था। कौन कौन से थे भाई आप बताइए, एक था कुल जो सबसे छोटी यूनिट, अभी वर्तमान में सबसे छोटी इकाई क्या है प्रशासन की, वो क्या है, ग्राम है। तो ये इसको भी अपन प्रशासन बोल सकते हैं, समाज बोलो या इसे प्रशासन बोलो, आखिरकार प्रशासन के अंतर्गत ही, तो प्रशासन किससे चलता है, समाज से ही तो चलता है। कुल, कुल के बाद क्या होता था, ग्राम। और एक चीज बात याद रखेंगे, कुल में परिवार हुआ करता था, ठीक, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, क्योंकि लाइट चली गई थी यार थोड़ी सी, ठीक है। तो कुल मैं क्या बता रहा था, कुल में जो सबसे जो परिवार होता था कुल के अंदर, और परिवार की जो सबसे मुखिया परिवार का वो कौन था, पिता होता था। और आपको पता होना चाहिए कि जो ऋग्वैदिक काल का पूरा समाज है वो ही किस पे डिवाइड, वो ही किस पे था, पितृ सत्तात्मक हुआ करता था। वहीं बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो आपको मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता वाले चैप्टर में कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बोलना चाहिए परिवार, वो कैसा समाज, वो कैसा था, मात्र सत्तात्मक था, और यहाँ पर पितृ सत्तात्मक हो जाता है। आगे बात करते ग्राम के बाद आता है क्या, विश। ग्राम के मुखिया को क्या बोलते हैं,
ग्रामीणी, ये अक्सर एग्जाम में पूछेंगे आपसे इनके बारे में, ठीक है। इसके बाद आता है विस, विस्पति। इसके बाद आता है क्या, जन, इसको बोलते थे राजन। और जन के बाद सबसे बड़ा जो राष्ट्र, महाभारत। राष्ट्र से यार मेरे को धृतराष्ट्र की याद आती है, ठीक है, महाभारत के धृतराष्ट्र की याद आती है। देखिए आप मजे लेते हुए पढ़े यार, इतना हेडेक मत कर लीजिए, ठीक है। तो ये सब आपको लिखना है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कुछ अधिकारी हुआ करते थे। देखिए प्रशासन को चलाने के लिए अधिकारी इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि आज के टाइम में IAS IPS अधिकारी होते हैं, तो उस समय भी भाई IAS IPS अधिकारी हुआ करते थे। क्लेट की एग्जाम भी हुआ करती रही होगी। लेकिन आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं कि जो ऋग वैदिक काल में हमें न्यायाधीश शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं मिला है, मतलब न्यायाधिकारी का कोई भी पोस्ट उस काल में नहीं हुआ करती थी, क्योंकि ऋग वैदिक काल का जो समाज था काफ़ी अच्छा श्रमशाली समाज था, और यहाँ पे ढोंग पाखंड ये सब नहीं हुआ करते थे, कर्म कांड नहीं हुआ करते थे, ज़्यादा पाप समाज में नहीं फैला था, इसलिए दोस्तों सब अपने अपने हिसाब से रहते थे, कोई बोलना चाहिए अपराध नहीं होते थे, इसलिए न्यायाधीश की क्या आवश्यकता, ठीक है। तो अगला पॉइंट आप लिखेंगे कुछ राजा अधिकारियों के बारे में, इनके प्रशासनिक, प्रशासनिक अधिकारी उस समय क्या बोलते थे और आज क्या बोलते हैं, उनके बारे में मैं आपको अब बताता हूँ। इनमें अधिकारी में दो इम्पॉर्टेंट थे, एक पुरोहित, ठीक है, पुरोहित वर्ग, और एक सेनानी वर्ग, ठीक है। पुरोहित था एक जो मुख्य रूप से जो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे इस ऋग्वैदिक काल के, पुरोहित और सेनानी। पुरोहित में दोस्तों आपको दो पुरोहित का नाम याद रखना है, एक पुरोहित थे कौन से, वशिष्ठ, काफी रूढ़िवादी पुरोहित थे, तो यहां से एग्जाम में पूछ भी सकता है, रूढ़िवादी पुरोहित थे वशिष्ठ, और दूसरे पुरोहित थे कौन, विश्वामित्र। ये कैसे थे, ये उतने बोलना चाहिए रूढ़िवादी नहीं थे, ये उदारवादी थे, उदारवादी मतलब इनको ज़्यादा कर्मकांड से मतलब नहीं हुआ करता था, चलो ठीक है जैसा है वैसा चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों सूतकर, रथकर और कंबादी। इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, रत्नी, ठीक है। तो आपको लिखना है रत्नी किसे बोलते थे, रत्नी बोलते थे सूतकर। सूतकर मतलब जो क्या ब्याज पर क्या देता था, धन देता था और उनसे ब्याज लेता था, सूतकर, ठीक है। सूतकर को क्या बोलते थे अपन, रत्नी बोलते थे। आगे बात करते हैं दोस्तों पुरूप, पुरूप की। तो पुरूप क्या हुआ करता था, पुरूप होता था दुर्गपति। बेसिकली दुर्ग के बारे में तो आप जानते ही होंगे, दुर्ग क्या होता है, दुर्ग एक टाइप का सुरक्षा वाल अर्थात सेफ्टी वाल होती है जो महल के चारों ओर बना दी जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई दुश्मन आक्रमण करता है तो पहले उसे कहाँ से सामना करना पड़ेगा, दुर्ग से ही सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो दुर्ग के जो प्रमुख था उसे क्या बोलते थे, पुरूप बोलते थे, ठीक है। आगे बात करते दोस्तों स्पर्श की, एक शब्द था स्पर्श। स्पर्श क्या होता था, गुप्तचर। देखो गुप्तचर हर चीज के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी आपने पता, आपने सुना होगा जेम्स बॉन्ड के बारे में, भारत का जेम्स बॉन्ड किसे बोलते हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ठीक है। तो स्पर्श उस काल में भी होते थे ऋग वैदिक काल में, और वो क्या काम करते थे, जनता की जितनी भी गतिविधियाँ होती थी उनकी देखरेख क्या करती थी, जैसे कि जनता अपने शासनकाल में सुखी है क्या नहीं, समृद्ध है क्या नहीं, कोई प्रकार की उसे कोई दिक्कत तो नहीं है, उनके बारे में सारा का सारा जो लेखा जोखा है वो किसके पास हुआ करता था, स्पर्श के पास हुआ करता था। आगे बात करते हैं वजपति की। तो वजपति एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर लिख देता हूं वजपति, वजपति, पति से आप पति मत बन जाइए, वजपति होता है गोचर। गोचर मतलब गायों को जो चराने वाली भूमि हुआ करती थी उसे क्या बोलते थे, वजपति बोलते थे। अगली बात करते हैं दोस्तों उग्र की। उग्र से आप क्या उग्रवादी तो नहीं समझ रहे, तो बिल्कुल भी आप सही समझ रहे हैं,
उग्र उस काल में किसे बोला जाता था, तो जो चोरों को पकड़ने का काम करते थे अर्थात पुलिस, ठीक है, चोरों को पकड़ने वाले को, चोरों को पकड़ने वाले को क्या बोला जाता था, टीकी। और गविष्टी का मतलब होता है गाय के लिए खोज, ठीक है। गविष्टी एक शब्द है, देखिए गाय ऋग वैदिक काल में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि अगर जो कोई भी गाय को चोट पहुंचाता या गाय की हत्या कर देता है तो उसके लिए बहुत भयानक दंड था, उसे देश से निकाल दिया जाता था अर्थात तड़ी पार कर दिया जाता था, ठीक है। तो गोविष्टी की बात कर रहे थे अपन, गोविष्टी क्या था दोस्तों, गोविष्टी गाय के लिए खोजे, गाय की खोज में जो निकलते थे उसे क्या बोलते थे, गोविष्टी बोलते थे, ठीक है। तो अब लिख लीजिए यहाँ पे गाय की खोज में जाने वाले को क्या बोलते थे, गोविष्टी बोलते थे। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, आगे अपन बढ़ते हैं। एक पॉइंट आप लिखेंगे अधन्या, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, आई होप आपको नीचे का नहीं दिख रहा होगा। अधन्या का मतलब होता है न मारे जाने योग्य, और अधन्या किसे बोला जाता है, गाय को। गाय के लिए शब्द का प्रयोग किया गया था अधन्या का, जिसका मतलब क्या होता है, न मारे जाने योग्य। तो आप लिख लीजिए अधन्या, अधन्या न मारे जाने योग्य पशु, ठीक है। देखो कितना ज़्यादा अंतर हो गया यार, वहीं अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो गाय से अपरिचित थे, जानते ही नहीं थे गाय क्या होती है, ठीक है, केवल और केवल बैल का उपयोग करते थे, लेकिन इसमें क्या था, अलग था, ठीक। आगे बात करते हैं पणी की, पणी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पणी ये क्या होते थे, व्यापारी हुआ करते थे, ठीक है। ये जो आई होप की जो 2018 का जो PCS हुआ था MPPS में, वो क्वेश्चन यहाँ से आया था कि पणी शब्द किससे संबंधित है, ठीक है। तो वो क्या है शब्द, पणी शब्द किससे संबंधित है, व्यापारी से संबंधित है। मतलब कि जो व्यापारी हुआ करते थे ना, वो दूर दूर तक जाते थे व्यापार करने के लिए, उन्हीं को क्या बोलते हैं, पणी बोलते हैं। आगे बात करेंगे इनके सबसे इष्ट देवता की, तो ऋग्वैदिक काल में इष्ट देवता जो थे वो कौन था, इंद्र था। और इष्ट पशु, सबसे प्रिय पशु, सॉरी इष्ट नहीं, प्रिय पशु वो कौन सा था, तो घोड़ा था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा हुआ करता था, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु क्या था, आप बताइए, मैंने बताया था आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे प्रिय पशु था वो कौन सा था। आगे बात करते हैं दोस्तों वेकनाट की, वेकनाट किसे बोलते थे, तो ये सुतकोर को बोलते थे, सुतकोर को बोलते थे, ठीक। ये कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रमुख शब्दावली थी जहां से आपको क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है। अगला बात करते हैं इनके प्रशासन के बारे में, प्रशासन के बारे में तीन संस्था हुआ करती थी, कितनी, तीन संस्था, वो कौन कौन सी थी, तीन संस्था हुआ करती थी, एक थी सभा, दूसरी थी समिति, और तीसरी हुआ करती थी विदत, ठीक। सभा और समिति ये क्या हुआ करती थी, तो आपको याद रखना है सभा व समिति एक संस्था थी जिसके माध्यम से प्रशासन चलाया जाता था। जैसे कि आप वर्तमान में देखते होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, है ना, उसी प्रकार से ये तीन प्रकार की जो संस्था हुआ करती थी। सभा में मुख्य रूप से पुरुष और महिला दोनों को सम्मिलित होने का अधिकार हुआ करता था, और जो पुरुष सदस्य हुआ करते थे सभा के उसे क्या बोलते थे, सभ्य, और जो महिला सदस्य को सभापति बोलते थे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुरुष सदस्य, पुरुष सदस्य को क्या बोलते हैं, सभ्य, और महिला सदस्य को क्या बोलते हैं, सभापति, सभापति, ठीक है। समिति का क्या विशेषता है, तो समिति से आप याद रखेंगे समिति में केवल और केवल पुरुष को ही सम्मिलित होने की
आज्ञा थी, केवल पुरुष शामिल हो सकते थे इसमें। और विदत की बात करें तो दोस्तों विदत में अन्य आम लोग जो है, आम लोग भी शामिल होते थे इसमें, वृद्ध लोग होते थे, बूढ़े लोग इसमें शामिल होते। वेद में एक सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री माना है, अर्थात उत्तर वैदिक काल में क्या पढ़ेंगे आप, उत्तर वैदिक काल में या अथर्ववेद में सभा और समिति क्या माना है, प्रजापति की दो पुत्री। और प्रजापति कौन था, तो प्रजापति के संबंध में आप ये बात याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल का जो प्रिय देवता, ऋग वैदिक काल में अपन प्रिय देवता क्या था, इंद्र था, और जो उत्तर वैदिक काल में प्रिय देवता प्रजापति हो जाते हैं। ठीक है, अगला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंद्र अवर जो देवता और मनुष्य के बीच में संबंध स्थापित करने वाले देवता कौन से थे, तो अग्नि देवता थे। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछता है, और एक क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रकृति के देवता कौन थे, तो सेम सोम देवता प्रकृति के देवता थे। ठीक है, तो इतना ही दोस्तों, पूरा का पूरा वैदिक सभ्यता थी आज के इस वीडियो लेक्चर के थ्रू अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया वैदिक सभ्यता को। इसके बाद अपन बात करेंगे महाजनपद काल की। जैसे ही दोस्तों एक हकामनी वंश का शासक आता है, दारा प्रथम, या उसे डेरियस प्रथम भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से वो लोहे का जो यूज़ करके भारत में प्रथम छठी शताब्दी ईसा पूर्व की वहाँ पर भारत में आक्रमण करता है, और वहाँ से ही लोहे का यूज़ चालू हो जाता है। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व के बाद अपन महाजनपद का उदय पढ़ेंगे अगले वाली क्लास में। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रख लीजिए कि जो लोहे का जो उपयोग है वो किसने स्टार्ट करवाया था, आर्यों ने स्टार्ट करवाया था। ठीक है, लेकिन सबसे इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो आपको याद रखना है अतरंजी खेड़ा, एक प्लेस है अतरंजी खेड़ा, ये यूपी के एटा जिला कहाँ पे, यूपी, यहाँ से लोहे के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों में, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और हाँ, एक मेरा दोस्त बोल रहा था यार कि तुम अपने वीडियो में सब्सक्राइब करने के लिए बोला करो, तो यार देखो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको इसको ज़्यादा फैलाना है, आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं ऐसे ही जो वीडियो है आपके लिए बनाता रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।